नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेणु माथुर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एक हफ्ते पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कहा गया कि सुशांत दिशा सालियान की मौत के बाद काफी परेशान थे और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। इधर सीबीआई दिशा की मौत की जाँच में जुट गई। इसी बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ दोस्तों, 8 जून को दिशा सालियान के घर पर हुई पार्टी में एक शिवसेना के नेता के आने की बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 8 जून की पार्टी में एक शिवसेना नेता का नाम भी सामने आ रहा है और ऐसा सोर्सेस का कहना है कि हो सकता है ये शिवसेना का नेता कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे हो। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि सोर्सेस कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस की माने तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 8 जून की रात जो पार्टी हुई थी दिशा सालियान के घर, उसमें पार्टी में शिवसेना नेता के तौर पर आने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे हैं। और दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़कर भी इसी कनेक्शन की वजह से ही देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें दिशा सालियान की मौत से पहले 8 जून को हुई पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के बारे में भी नीतीश ने कहा कि वो इस बारे में सब जानता है, पता नहीं वो डर कर क्यों छिप रहा है, उसे आगे आकर सब बताना चाहिए। राणे ने यह सवाल उठाते हुए कहा है कि जब दिशा गिरी तो रोहन वहां 25 मिनट बाद क्यों आया। नीतीश राणे ने यह भी दावा किया है कि 8 जून की शाम दिशा जुहू में एक पार्टी में शामिल हुई। उस पार्टी में एक बिल्डर, दो एक्टर्स, एक एक्टर का भाई और एक बड़ा नेता शिवसेना का शामिल हुआ था। पार्टी से निकलने के बाद दिशा अपने घर मलाट गई थी। उस वक्त फ्लैट पर रोहन भी मौजूद था। फ्लैट से नीचे गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। नीतीश राणे का कहना है कि रोहन और उसके दोस्त अगले दिन 9 जून को ही दिशा की अंत्येष्टि की सूचना अपने दोस्तों को दे रहे थे। अगर 9 जून को दिशा की अंत्येष्टि हो गई थी तो 11 जून की दोपहर भगवती हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किसका हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान की मौत को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं बीजेपी नेता नीतीश राणे ने। नीतीश राणे का कहना है कि रोहन ये बात जानता है कि मुझे 8 जून को जो हुआ उसके बारे में पता है, अगर वो सीबीआई को नहीं बताता तो मैं खुद बता दूंगा। राणे ने सवाल उठाया कि रोहन दिशा केस का मुख्य गवाह है लेकिन वही इस जांच का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने बड़ा सवाल उठाया है दिशा सालियान की मौत को लेकर और साथ में ये भी बताया है कि दिशा और सुशांत की मौत का गहरा कनेक्शन है। इसके साथ ही बीजेपी नेता नीतीश राणे ने शिवसेना नेता को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि जिस रात दिशा सालियान के घर पार्टी हुई थी उस रात उस पार्टी में शिवसेना का एक नेता भी मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत केस में। अब देखना होगा कि बीजेपी नेता दिनेश राणे के इस खुलासे के बाद शिवसेना और दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर सामने आता है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।